फोर्थ अक्टूबर है, मैं थोड़ा खड़े होकर बात करती हूँ ताकि एनर्जी ज़्यादा रहे। और फोर्थ अक्टूबर है आज, फोर्थ अक्टूबर 2016, यानी 4 अक्टूबर 2016 को चैनल स्टार्ट हुआ था, मतलब क्रिएट हुआ था लगभग इसी समय 9:30 के आसपास। और आज 6 साल हो गए पूरे, और इन 6 सालों में मतलब आई वॉज अ टीनेजर एट दैट टाइम। और आज बहुत सारी चीज़ें मेरे दिमाग में आ रही हैं, बहुत कुछ तो मैं नहीं कहूँगी क्योंकि मैं खुद बहुत इमोशनल सा फील करती हूँ इन मोमेंट्स को लेकर के। बट हाँ, मैं ये तो सबको कह ही सकती हूँ कि थैंक यू। सितंबर 2016 में मैंने एग्जाम दिया था सीटेट का उस टाइम पे, और अक्टूबर 2016 में ही चैनल बन गया था। मुझे लगा कि मैं क्या शेयर कर सकती हूँ, तो मेरे दिमाग में सबसे पहले सीटेट आया, तो मैंने वो शेयर किया कि कौन से वो 3 वेज हो सकते हैं। वो सबसे पहली वीडियो थी, आज भी है चैनल पर, और वो 2.5 मिनट की वीडियो थी आई थिंक। और मैं इतना अटक अटक के उसमें बोल रही थी, और एकदम वो जो छोटा बच्चा होता है वो वाला फील तक होता है। पेपर 1 तो हमें 4th और 5th क्लास की NCERT ऑफ EVS आई कंसिडर इट इम्पॉर्टेंट बिकॉज कई सारे क्वेश्चन इससे आ जाते हैं। एंड द थर्ड थिंग इज, और आप EVS के साथ साथ मैथ्स की NCERT भी पढ़ सकते हैं। 4th-5th का आई कंसिडर इम्पॉर्टेंट। ओके, थैंक यू। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन। बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, और बचपन अभी भी जिंदा है, वो हमेशा रहना भी चाहिए आप में। बट बहुत कुछ सीखा है इस दौरान, बहुत सारे लोगों तक पहुंचने की कोशिश की है, बहुत सारे लोगों ने सीटेट क्लियर किया है, उसकी संख्या मतलब अपार ही है एक तरह से अगर मैं कहूँ तो उस चीज़ में, और बहुत अप्रिशिएशन मिला है इस दौरान। वो टाइम था जब ऐसे, जैसे मैं अभी लाइव कर रही हूँ, ऐसे हम लोग पढ़ते भी थे एक टाइम पे लाइव का। और मेरे को याद है जब दिसंबर 2018 का पेपर, 2 साल तक पेपर ही नहीं हुआ था, तो 2018 का जब पेपर आया था तो ऐसे 3,500 लोग लाइव देख रहे हैं, और ये वाला लाइव चलता था, मतलब जिसमें हम बात कर रहे हैं और सारे सब्जेक्ट्स पे चर्चा होती थी। वो सीटेट के इवन जो उस टाइम पे कोचिंग का क्रेज था सीटेट को लेकर के लोगों में, तो वो कोचिंग्स के मतलब सेंटर्स भी बंद हुए हैं, ऐसा भी हमने देखा है एक इम्पैक्ट के रूप में कि ऑनलाइन सीटेट पढ़ा जा सकता है। क्योंकि सीटेट ऐसा एग्जाम नहीं था जिसके लिए आप 20,000 रुपये लें, और फिर उसमें भी लोग करते क्या थे, स्पेशली दिल्ली में तो यही होता था कि NCF का एक मान लीजिए 150 पेज की PDF है, उसी को निकाल के दे दिया नोट्स की फॉर्म में। तो वो पेडागॉजी सीटेट में हमने इतना काम किया कि सिर्फ सीटेट अगर आप तैयारी कर रहे हैं, सिर्फ लेट्स लर्न से अगर आप देख लें तो सीटेट आपका रुकेगा नहीं, वो वाला एटीट्यूड रहता था। और उस चीज़ ने हेल्प की, जब रिस्पांस आया, रिजल्ट आया, तो आप लोगों ने बिल्कुल आतंक मचा के रख दिया। सब बातें हम करते हैं, मैं इमोशनल हो रही हूँ थोड़ा, और मेरे को समझ भी नहीं आ रहा कि शब्दों में इस फीलिंग को कैसे बयां किया जाए। कोई बात हो तो कमेंट्स में बता देना। थैंक यू सो मच हर एक व्यक्ति के लिए जिसने सब्सक्राइब किया चैनल को, देखी है वीडियोज, हेल्प हुई है जिनको, मैंने बहुत कुछ सीखा है आप लोगों से।